Hi guys, welcome at my YouTube channel Nothing is Impossible. I hope आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे. मानसून का सीजन जो है वो सभी पशु पक्षी इंसान को सुकून देने वाला होता है और हरियाली की चादर धुल सी जाती है. साथ ही तरह तरह की जो फ्लावर्स खिलते हैं, लगता है कि धरती ने श्रृंगार किया हो. आज काफ़ी बादल हो रहे हैं और साथ ही हल्की रिमझिम सावन की फुहार भी चल रही है. लाजवंती के प्लांट में देखिए ढेरों बर्ड्स आई हैं और आज ये इधर दो फ्लावर भी इसमें खिले हैं और अब काफ़ी कलियां बनी हैं तो लगातार अब इसमें भी ब्लूमिंग होने वाली है. इधर ये हाइब्रिड विंका है, इसमें भी अच्छी ब्लूमिंग चल रही है. आज का वीडियो गॉम्फ्रेना के बारे में है. तो चलते हैं हम गॉम्फ्रेना प्लांट की ओर. इधर देखिए ये लिली के अंदर कितने बड़े बड़े फ्लावर्स जो हैं वो आ रहे हैं. गॉम्फ्रेना एक लो केयर और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है जिसपे बेहद आकर्षक फ्लावर आते हैं और एक बार जब फ्लावर इस पर खिलते हैं तो वे लगभग एक महीने तक बने रहते हैं. गॉम्फ्रेना आपके गार्डन के अंदर 12 महीने बना रह सकने वाला प्लांट है. बस ज़रूरत है इसे समय समय पर उगाते रहने की. ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है और इसका प्लांट आप इस वक्त नर्सरी से 30-40 रुपए के अंदर लेकर आ सकते हैं. इस प्लांट की ब्रांचेस काफ़ी लचीली होती हैं, इसलिए फूलों के वजन से ये ब्रांचेस झुक जाती हैं. इस समय इन्हें किसी डंडे या स्टिक का सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है ताकि आपका प्लांट जो है वो खड़ा रह सके. जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपके पौधे की पत्तियां सूखने लगती है, साथ ही पौधा भी सूखने लगता है. उस समय आप इन पौधों को हटा दो और इसके जो सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के अंदर सीड बने हुए होते हैं, तो आप उनमें से सीड्स निकाल लें और फिर से उन्हें ग्रो कर लें ताकि नए प्लांट उग आए. इसके बीजों को हम सर्दी, गर्मी और वर्षा सभी सीजन में ग्रो कर सकते हैं. गॉम्फ्रेना के लिए खास बात है कि इसे किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है. ये किसी भी तरह की मिट्टी के अंदर आसानी से उग आता है, ना ही इसे उगाने के लिए किसी विशेष प्रकार के पॉट की ज़रूरत होती है. इसके लिए आप छोटे गमले में भी इसे उगा सकते हैं, उसमें भी ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगा. यहाँ तक कि आप इसे शॉपर्स में भी उगा सकते हैं और उनमें भी आप इसी तरीके की हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं. इनसे फ्लावरिंग लेने के लिए सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जिस किसी बैग, पॉट या शॉपर के अंदर आपने इसे लगा रखा है उसे आप सनी लोकेशन प्रोवाइड कराएं. इन्हें पानी देने का ध्यान रखना होता है, ना ही आप ओवर वाटरिंग करें ना ही लो वाटरिंग करें, क्योंकि आपका प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग से सड़ सकता है और लो वाटरिंग से भी ये सूख सकता है. इस पौधे को यूं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप बरसात और सर्दी के अंदर इन्हें दिन में एक बार
और अगर आपके यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हो तो गर्मी के सीजन में इसे दो बार पानी ज़रूर दें। प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस महीने में दो बार आप इसे कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक मुट्ठी दें, जैसे कि काउडंग कंपोस्ट है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, या फलों और सब्जियों के छिलकों से बना हुआ लिक्विडफाइड फर्टिलाइज़र है। ये अगर आप इसे देंगी तो आप भी इसी तरीके से इसमें हैवी फ्लावरिंग जो है पा सकते हैं। ये थी जानकारी गॉम्फ्रेना के बारे में। तो आप भी आज ही अपनी नज़दीकी नर्सरी से गॉम्फ्रेना का प्लांट लाकर अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, और या फिर किसी सीड विक्रेता की शॉप हो तो वहाँ से आप इसकी सीड भी परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन से ऑनलाइन भी इसकी सीड्स मंगवाए जा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके सीड्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, बस उन्हें मिट्टी के ऊपर बिखेर दीजिए और एक फाइन लेयर मिट्टी की उसके ऊपर बिछा दीजिए। आपके सीड्स जो हैं 4-5 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे और नए प्लांट शुरू हो जाएंगे। चलते चलते मैं दिखाती हूँ आपको पिंका के अंदर, देखिए किस कदर फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही सभी प्लांट्स लगभग अभी इस वक्त ब्लूमिंग कर रहे हैं, और ये रेड पार्चुला का तो बहुत ही बल्ब की तरह, जैसे कि रंगीन बल्ब हो इस तरीके से इसकी फ्लावर टिमटिमाते हैं। इधर देखिए ये येलो के अंदर भी आज काफ़ी फ्लावरिंग हुई है। इधर ये फिर से पिंक और रेड पार्चुला का है। इधर ये हमारी रानी कलर के फ्लावर्स खिले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।